Time to tag you. I'm going to tag you. Time to tag you. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. Welcome to Tag Time. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. As usual, community ki garma garmi nayi program aur unke saath hum aapke liye khabar leke aaye hain ek bahut hi khoobsurat musical evening ki jisko organize kar rahi hain hamari community ki bahut hi active khatoon janab Farah Sayed sahiba. Unke saath saath maujood hain Atiya Siddiqui jo ki TV show bhi karti hain anchor karti hain iske saath saath bahut acha gana gaati hain aur bahut sare shows ke andar apne maharat के जोहर दिखा चुकी हैं उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं फराह खान फौजिया खान साहिबा जो कि एक सिंगर हैं और हमारे बहुत सारे कम्युनिटी शोज के अंदर अपने इस फन का मुजाहरा करती रहती हैं अब हम मज़ीद इस शो के बारे में कि ये क्या है इसकी क्या डिटेल्स हैं इन पे बात करेंगे तो चलते हैं फराह सैयद साहिबा के पास सो फराह वेलकम टू टैग टाइम थैंक यू अब आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये क्या शो है और इसका आइडिया कैसे आया और इसकी क्या डिटेल्स हैं अच्छा हलीमा ये जो प्रोग्राम है इसका नाम हमने बड़ा प्यारा रखा है सितारों की शाम आपके नाम और ये मैंने इसलिए सोचा कि हमारे जितने कम्युनिटी में अच्छे अच्छे सिंगर हैं इतने अच्छे लोग हैं तो उनको हम सितारे ही कहेंगे ना हमारे लिए तो स्टार हैं तो बिल्कुल स्टार हमारे लिए ही नहीं वो अपने एरिया के स्टार्स हैं स्टार हैं क्योंकि मेरा बहुत बिलीव है कि हर बंदा जो अपने एरिया में जो काम कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है वो स्टार है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम और वो लोग जो कम्युनिटी की इतनी देर से खिदमत कर रहे हैं और उसमें उन्होंने अपना नाम पैदा किया है दे आर स्टार्स और कोशिश यही हो रही है कि हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा हटके करें थोड़ा सा हम इसको चाह रहे हैं कि इस तरीके से करें कि लोगों को हमेशा याद रहेगा सितारों की शाम आपके नाम अतिया आप एक चमकता हुआ सितारा हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर अक्सर अपने खूबसूरत रोशनी का जौहर दिखाता है आप इसके बारे में क्या कहेंगे हलीमा एक तो मैं ये कहूँगी कि फराह ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जब मुझसे शेयर किया कि मैं इस तरह से इस प्रोग्राम को करना चाह रही हूँ और मेरा ये आइडिया और मेरा ये कॉन्सेप्ट है तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि एज़ यू नो के इवेंट्स तो हम लोग करते ही रहते हैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड ही माशाल्लाह आपको पता है कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है तो जब इन्होंने ये आइडिया शेयर किया तो मैंने कहा इट रियली सीम्स ऑसम और मैंने फौरन हामी भरी कि मैं इनके साथ इसको मिलके इसको ऑर्गेनाइज करूँगी और पूरे इवेंट को प्लान करेंगे और फिर हमने सोचा कि हम इसमें ऐसे तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो इसमें हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली हर प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट होता है एक टाइम की मुद्दत होती है आपको हर चीज़ को उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो कुछ लोगों को हम इसमें नहीं शामिल कर पाए जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो फिर हम दूसरे स्टार्स को मौका देंगे मगर जो हमने प्लान किया है इट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट और ऑडियंस जब आएगी तो वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट दे हैव नॉट सीन बिफोर फौजिया एक और चमकता हुआ सितारा हमारी कम्युनिटी की खूबसूरत आवाज़ क्या कहेंगी इस शो के बारे में जैसे कि आपको पता है फराह सैयद बहुत सारे प्रोग्राम पहले कर चुकी हैं अभी काफ़ी अरसे से वो अब काफ़ी दिनों के बाद बल्कि अब एक्टिव हुई हैं और अपना एक नया शो लेकर आई हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इससे आप बड़ा शो देखेंगे जैसे कि अतिया ने कहा है कि हमने बहुत सारे सितारों को मिस किया है और सारे सितारे एक साथ जगमगाएंगे इंशाल्लाह तो फराह आपको क्या मुश्किलात हुई क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक दफ़ा फिर कम्युनिटी के अंदर जाके उसको सबको जोड़ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आई एम श्योर कि अतिया ने आपकी बहुत हेल्प की होगी लेकिन आपने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया तो कैसे आपने इसको सोचा मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि मैं थोड़ा सा ना प्रोग्राम वैसे तो मैं करती हूँ अपना मीट एंड ग्रीट का करती हूँ वैलेंटाइन डे के ये ज़रा मैं सोच रही थी कि हम ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रोग्राम करें जितने स्टार्स हैं उनको लें डांस का भी है मसीकी का भी है और इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं तो मैं चाह रही थी कि ये प्रोग्राम लोगों को बहुत देर तक याद रहे कैसा प्रोग्राम है किस तरह है और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अतिया तलहा मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि नए नए आइडिया उसमें रखें नई नई चीज़ें रखें अभी बस
बहुत से सरप्राइज है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती. अतिया डिटेल्स दीजिए प्रोग्राम की, इसके अंदर क्या कुछ शामिल होगा, लोग व्हाट शुड वी एंटिसिपेट. सबसे पहले तो हमने जो टिकट की प्राइस रखी है उसके अंदर हमने डिनर, बहुत ही लैविश सा एक डिनर भी इंक्लूड किया हुआ है. तो लोग आएंगे, जिन लोगों ने अपनी टेबल्स पहले से बुक करा लिए हैं. दूसरी बात ये कि इसमें हमने एक VIP भी रखा है और रेगुलर प्राइस भी रखी है. VIP रखने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि हमें आगे बैठना है, तो आगे बिठाने के लिए थोड़ा सा उनको, इफ़ दे आर पेइंग मोर देन दे शुड बी सिटिंग इन द फ्रंट. दे विल बी टेबल नंबर्स अलॉटेड टू पीपल ऑलरेडी हु बुक देयर टेबल्स. सो जब वो आएंगे उनको पता होगा कि उनको किस टेबल पे बैठना है. दूसरे ये कि हम टाइम से अपना शो स्टार्ट करेंगे. 7 बजे हमारा टाइम है, विच मीन्स के पीपल आर अराइविंग, दे विल बी मीट एंड ग्रीट. आप अपनी टेबल फाइंड करें, बैठ जाएं. और 8 बजे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्ट हाफ के बाद 9 बजे हमारा डिनर सर्व होगा और 9 बजे के बाद आधे पौन घंटे के बाद प्रोग्राम फिर स्टार्ट होगा और फिर उसकी कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइनअप इतना ज़्यादा है स्टार्स का कि सबको जस्टिफाइड टाइम देने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान फॉर दैट डे. सो इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फैमिली fun for a weekend. Oh yes, oh yes. Spend some time together and enjoy. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. तो फौजिया आप क्या प्लान कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, कोई कोई सरप्राइज देने वाली हैं? Oh yes, it's full of surprise. जब आप लोग आएंगे ना, आप लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करे इसके लिए और इंशाल्लाह बहुत नया नया सुनने को मिलेगा. काफ़ी आपको चीज़ें जो आप लोग इंजॉय करेंगे आके, क्योंकि एक फैमिली प्रोग्राम है, इसमें आप लोग सारी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले हैं. फरा आप वेन्यू बताइए किस जगह पे है और इसके लिए रابطہ कैसे मुमकिन है, टिकट्स का क्या तरीका? ये स्वागत बैंक्वेट हॉल है मिसिसागा में. तो मेन मिसिसागा में है, इतना स्वागत बैंक्वेट हॉल जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा. और उसके लिए जो फ़ोन नंबर मेरा है 6476276909, मुझसे रابطہ कर सकते हैं. अतिया बता देंगे अपना फ़ोन नंबर. मेरा फ़ोन नंबर है 6478312558. आप लोग टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं. अभी भी हमारे पास कुछ स्पॉन्सरशिप के स्पॉट्स अवेलेबल हैं. वैसे तो कम्युनिटी ने हमारी भरपूर सपोर्ट की है इस शो में. एवरीवेयर दैट वी वेंट पीपल वर मोर देन विलिंग टू सपोर्ट. फरा का नाम इतना है, उन्होंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं के शी डिडंट रियली हैव टू आस्क एनीबडी अलॉट. सो दैट वाज रियली नाइस. और जहाँ तक हमारा लाइनअप है तो मैं बताती चलूँ कि हमारे स्टार्स में कौन कौन है. सबसे पहले तो हमारे पास हैं तनवीर बदर, डॉक्टर तलहा मसूद, शामला, फौजिया, गोगी, एंड देन वी हैव शगुफ्ता और यू नो सबसे आखिर में जिसका नाम हर कोई जानता है और पहचानता है, जिब्रान, जो कि इस पूरे शो को कंडक्ट भी कर रहे होंगे और सारे स्टेज पे भी वो होंगे. तो आप कोई मैसेज देना चाहें वन आफ्टर अनदर, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस थ्रू अस? बस मैं ये कहती हूँ कि ये शो की टिकट्स बड़ी जल्दी जा रही हैं, तो जल्दी जल्दी हमसे रब्ता करें, ये ना हो कि बाद में टिकट ना मिले और फिर वहाँ पे उनको परेशानी का कोई, क्योंकि लोग बुक करवा रहे हैं बहुत जल्दी, टेबल्स काफ़ी बुक हो चुकी हैं, आधे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अभी तक बुक हो गया. तो जल्दी से अपनी बुकिंग करवाएं और इंशाल्लाह फिर वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस दिन. फिर अतिया आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि टाइम पे आए, क्योंकि हर चीज़ टाइम पे स्टार्ट होने वाली है. बहुत सारा फन प्लान्ड है उस दिन रात को, जो आप लोग मिस कर देंगे अगर टाइम पर नहीं आए, क्योंकि शो टाइम पर स्टार्ट होगा और बहुत सारे फनकार हैं, उनकी अपनी अपनी एंट्रीज हैं. यू डोंट वांट टू मिस द ग्रैंड एंट्रेंस दैट वी प्लान्ड. देयर इज़ अ लॉट टू एक्सपेक्ट एंड आई एम श्योर के यू गाइस विल एंजॉय द सरप्राइजेस. हाँ जी फाजिया. हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने भी लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे इवेंट किए और मैंने ये नोटिस किया कि सारे लोग लास्ट मोमेंट डे का वेट कर रहे होते हैं. जब उन्हें पता था कि आज ही शो है, उनको आज ही 12 टिकट चाहिए होते हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं. तो आप लोग नाराज़ नहीं हो जाइएगा, पहले से अपने टिकट्स ले लीजिए ताकि आप लोग को अच्छा स्पॉट मिले और आप लोग खूब मज़े से इंजॉय करें प्रोग्राम को. आप सबका बहुत शुक्रिया एंड आई होप आई विश यू वेरी गुड लक एंड आई होप दैट पीपल विल एंजॉय इट टू. थैंक यू हलीमा फॉर इनवाइटिंग. थैंक्स फॉर टैग टीवी एंड थैंक्स टू हलीमा. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, फैमिली इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट और अपने आर्टिस्ट को
प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है। सोसाइटी के अंदर आर्टिस्ट बहुत अहम होता है। आर्ट को प्रमोशन का एक तरीका ये होता है कि आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए, जो काम वो कर रहे हैं उसकी टिकट खरीदिए और उसको जाके देखिए। ये आपका शेयर है आर्ट और कल्चर की तरफ। आई होप 7 दिसंबर स्वागत बैंक्वेट हॉल में आप सब लोग जाना ज़रूर चाहेंगे, ये देखने के लिए कि आपके आर्टिस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, जो कनाडा में रह के आर्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को एंटरटेन कर रहे हैं एक और ढंग से, वो कैसे कर रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का मेरा ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।